ही आफ्टरनून 2:30 पे हम आपके साथ गुफ्तगू किया करेंगे, तो आपको एक अपडेट दिया करेंगे इमिग्रेशन के बारे में कि इमिग्रेशन अपडेट्स क्या हैं। दूसरी बात, हम इस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 10 दिन में वो भी हो जाना चाहिए कि फेसबुक के थ्रू आप फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस दे सकेंगे। तो इसके लिए टाइम यही 2:30 आफ्टरनून एवरी सैटरडे जो यूके का टाइम है इसके मुताबिक मैं आपकी कॉल लिया करूंगा। तो अभी इस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और वीक या 2 वीक में हम इस काबिल हो जाएंगे कि आप टेलीफोन पे फेसबुक के थ्रू टेलीफोन पर काम से एडवाइस ले लिया करेंगे। नाज़रीन, इस वीक की अपडेट सिर्फ ये है कि होम ऑफिस ने फैसला किया है कि हेल्थ चार्ज जो है इसमें 100 गुना इजाफा होगा। हेल्थ चार्ज इसमें 2015 में गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि इमिग्रेशन की फ़ी के अलावा हर आदमी को जो यूके में आएगा और 6 महीने से ज़्यादा वीजे के लिए अप्लाई करेगा उससे 200 पाउंड सालाना के हिसाब से हेल्थ चार्ज वसूल किया जाएगा। और गवर्नमेंट 2015 से हर आदमी से हेल्थ चार्ज ले रही है जो कि 6 मंथ से ज़्यादा के वीजे पे यूके में आता है या फिर यूके में रहते हुए अपने वीजे की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है। तो इस वक्त जो है वो 200 पाउंड सालाना के हिसाब से जो अप्लीकेशन होती है इसके साथ फ़ी पे करना पड़ती है। तो इन एडवांस इमिग्रेशन वाले आपसे चार्ज करते हैं, जैसे आमतौर पर मौसले अगर वीज़ा देते हैं वो 2.5 ईयर का वीज़ा देते हैं, तो इसका मतलब है कि 500 पाउंड इन एडवांस पे करना पड़ता है। तो अब अप्रैल से गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उसको बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा, यानी 500 जो पे करते थे उनको 1000 पे करना पड़ेगा। इसी वजह से जो लोग शादी के बेस पे यूके में आते हैं उनको 3 साल के वीजे के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वो 600 जो है हेल्थ चार्ज पे करते हैं, अब उनका वो डबल हो जाएगा, 1200 पाउंड हो जाएगा। ये तो थी इस वीक की अपडेट। दूसरी बात ये कि काफ़ी सारे लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे हैं और काफ़ी सारे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि जो कि चाहते हैं कि फेसबुक के उनके सवालों के जवाब दे दिया जाए। तो फेसबुक के एवरी क्वेश्चन पढ़ना जो कि हमें सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हम आइंदा हफ्ते 1-2 हफ्तों से ये प्रोग्राम सिलसिला थोड़ा सा दराज कर देंगे, तो इस काबिल आप होंगे कि आप फेसबुक के थ्रू ही हमसे एडवाइस ले सकें। नाज़रीन, काफ़ी सारे लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे हैं, जरा मैं देखता हूँ कि इनके जो है मैसेजेस क्या हैं, क्या सवाल अभी आए हैं, जो काफ़ी सारे सवाल आते हैं तो मैं देखता हूँ इसमें क्या कौन से सवाल आते हैं। इसमें एक तो ये एक साजिद रजा खान साहब हैं, इन्होंने एक 2 मैसेज किए, इनका काफ़ी बड़ा लंबा मसला है आपका। अगर कोई एक सवाल होता तो इस प्रोग्राम में मैं आपको बता देता, लेकिन आपका जो मसला है वो काफ़ी स्विचिंग ओवर का काफ़ी लंबा है, तो ज़्यादा बेहतर आप किसी ला फर्म से एडवाइस ले लें, क्योंकि इसमें 1 मिनट नहीं लगेगा बल्कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एडवाइस के लिए। एक और थे मैसेज आया है, वो है सूर्या गुनासी का, तो वो पूछ रहे हैं कि असालम केस किसी का चल रहा है, उनको बच्चों के साथ 7 साल हो गए, क्या उन्हें फ़ी पे करना पड़ेगी? हाँ, अगर कोई भी आदमी जो 7 साल की बेस पे अप्लाई करता है उसको होम ऑफिस की फ़ी है वो हर आदमी पे करना पड़ती है, जो 993 पाउंड है और प्लस एक हेल्थ चार्ज होता है 500 पाउंड, हर आदमी के लिए पे करना पड़ती है अगर आप 7 साल की बेस पे अप्लाई करते हैं। अगर कोई असालम के ऊपर है उसको 7 साल पूरे हो गए, उसे भी ये पे करना पड़ेगा। एक और हाफिज साहब का केस था, हाफिज सुतियान, इनका भी बड़ा लंबा मैसेज है, तो इतना बड़ा लंबा है कि मैं ज़ाहिर पढ़ नहीं सकता, आप उसको मुख्तसर एक आध सवाल पूछें तो उसका मैं आपको जवाब दे सकूंगा। इसी तरह फिर एक मैसेज जैनब बुखारी साहिबा का था, तो वो एमनेस्टी के बारे में या लेगेसी के बारे में पूछ रही हैं। तो एमनेस्टी और लेगेसी इस गवर्नमेंट के आने से पहले हर 5-6 साल बाद निकलती रही है, इस वक्त पाइपलाइन में है लेकिन अभी फाइनल उस सिलसिले में कुछ नहीं हुआ है, तो चांसेस हैं कि शायद कोई एमनेस्टी निकला है, क्योंकि पिछली एमनेस्टी 2006 में निकली थी, उसके बाद अभी तक कोई एमनेस्टी नहीं निकली है, तो चांसेस हैं कि शायद कोई एमनेस्टी इस साल निकला है। तो बहरहाल उम्मीद रखें, वो कहते हैं ना पैरस्ता रह शिद्दत से उम्मीद बाहर रख। अगला जो है वो हीरा अकील है, इनका फ़ोन था, ये जानना चाहते हैं अकील अहमद, इन्होंने नाम लिखा जो फेस आईडी डिफरेंट है अकील अहमद से, ये कहते हैं कि इन्होंने कोई ईमेल हमें भेजी थी, तो उसका आपको अगर ईमेल की थी शायद उसका जवाब दे दिया होगा। अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई जवाब कोई सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमें लिख दिया करें, हम आपको जवाब दे दिया करेंगे, लेकिन 1-2 वीक में मैं आपकी कॉल भी ले लिया करूँगा। इसी तरह एक असद अली साहब ने लिखा था कि उनका क्वेश्चन है कि मुझे कि मैं 10 साल के रूट के ऊपर हूँ और उनको 10 साल के रूट के ऊपर स्टे मिला हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये शायद पब्लिक फंड्स के बारे में चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं अप्लाई फॉर
वहाँ के कौंसिल हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और पब्लिक फंड कौंसिल हाउस तक ये कौंसिल की डिस्कशन है, लेकिन मुझे लगता है कौंसिल वाले आपको हाउस नहीं देंगे, वो कहेंगे जी आपका सीनियर स्टे होना चाहिए फिर हम हाउस देंगे, शायद वो नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो कोई हालात ऐसे हैं कि आप बेनिफिट्स क्लेम करना चाहते हैं तो आप हम आपको लिखेंगे, एक फॉर्म होता है वो कम्प्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आप हम आपको ऐसा आप कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक रजा अली साहब है, इनका ये है कि इनका केस भी काफी लंबा है, तो प्लीज आप ईमेल करके किसी वकील से एडवाइस लें, क्योंकि कोई एक सवाल हो तो उसका हम जवाब दे देंगे। तो बस काफी लंबे केसेस होते हैं जो कि पढ़ना पड़ते हैं, तो वो कोई वकील ही आपको पढ़ के तो एडवाइस कर सके, क्योंकि इस प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता है। तो मैसेज आ रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं, तो इतना जाहिर है कि पॉसिबल हमें नहीं हो रहा है कि इसके साथ हम कैचअप कर सके, तो लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए बेहतर टेक्नोलॉजी यही होगी कि आप बजाय मैसेज करने के आप इसे लाइव एडवाइस ले लिया करें। लेकिन जैसे कि मैं बताया, हम एक सिलसिला बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं कि आप फेसबुक के थ्रू हमसे एडवाइस दे दिया करेंगे। नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में आज की इस वीक की अपडेट काफ़ी थी, तो अगले वीक तक मैं कोशिश करूंगा कि हम फेसबुक के थ्रू आपकी टेलीफोन कॉल दे सकें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगले वीक तक के लिए इजाज़त, रब रखा।